नमस्कार, SBN9 न्यूज में आपका स्वागत है। भारत में 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को लेकर तैयारियां आखिरी चरण में हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, इसके पूरे इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक मूवमेंट में भी बदलाव किया गया है। इतना ही नहीं, भिखारियों, नशा करने वालों और किन्नरों के घुसने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। नई दिल्ली जिले के कनॉट प्लेस जनपद, बंगला साहिब गुरुद्वारा, केजी मार्ग और हनुमान मंदिर के आसपास नजर आने वाले भिखारियों, नशा करने वालों और किन्नरों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पहाड़गंज और अजमेरी गेट दोनों तरफ से इन लोगों के घुसने पर मनाही है। अगर कोई नजर भी आता है तो इन लोगों को शेल्टर हाउस में छोड़ दिया जाएगा। इस दौरान दिल्ली पुलिस हर रोज ट्रैफिक समेत तमाम तरह की समस्याओं का समाधान प्रेस ब्रीफिंग के जरिए करेगी। इसी क्रम में भिखारियों, नशा करने वालों और किन्नरों का समाधान भी निकाला गया है। इन लोगों को गीता कॉलोनी, रोहिणी और द्वारका सेक्टर के बाहरी इलाकों में भेजा गया है। कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार ने 4 सदस्यीय समिति का गठन किया था। दरअसल दिल्ली में भीख मांगना क्राइम नहीं है, भीख मांगने को अपराध की श्रेणी में डालने वाले कानून को साल 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट ने खत्म कर दिया था। ऐसे में दिल्ली पुलिस भीख मांगने वाले और फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को अन्य जगहों पर ट्रांसफर कर रही है। आपको बता दें, G20 समिट की अहमियत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस ने यह फैसला किया है। दरअसल होटल और दूतावास नई दिल्ली जिले में आते हैं, ऐसे में इन इलाकों में G20 के प्रतिनिधि में भी मौजूद रहेंगे। नई दिल्ली इलाके के सभी यहां पर भिखारियों और किन्नरों और सीधे तौर पर नशा करने वालों और फुटपाथ पर सोने वाले लोगों का ख्याल दिल्ली पुलिस रखेगी। इनके रहने और खाने पीने का भी इंतजाम किया जाएगा, लेकिन इन लोगों को ऐसी जगह से दूर रखा जा रहा है जहां पर G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होना है।